हेलो फ्रेंड्स, मैं रश्मि। मैं आपके सामने ई पाठशाला का फेज़ 3 का रजिस्टर लेकर आई हूँ कि आपको किस तरह से मेंटेन करना है। मैंने इस तरह से किया है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप इस तरह से बना सकते हैं। देखिए, मैंने ई पाठशाला इस तरह से डाला है। फिर मैंने इसके अंदर जो मेरा पुराना रजिस्टर था, मैंने वही यूज़ किया है जिसमें कि मैं पहले 4th क्लास पढ़ाती थी, तो मैंने 4th क्लास का लिया था। लेकिन अब मेरे पास क्लास 3rd है, तो मैंने मिशन प्रेरणा की पाठशाला के सारे, जिस के माध्यम से हम सारे बच्चों को कंटेंट दे रहे हैं, या फिर दूरदर्शन के माध्यम से, रीड एलोंग के माध्यम से, आओ सीखो के माध्यम से बच्चों तक कार्य पहुंचाने का काम कर रहे हैं, तो ये सब मैंने इस पर लिए हैं। तो पहले मैंने जो बनाया था वो ये था, और अब जो मैंने नया बनाया है वो देखिए, फेज़ 3 का रजिस्टर। आगे चलते हैं हम। मैंने इसी में प्रेरणा लक्ष्य भी लिखे हैं, ये हैं, ये देखिए। और प्रेरणा सूची व तालिका के बारे में भी इसमें मैंने बताया है कि प्रेरणा सूची क्या है, प्रेरणा तालिका क्या है। ये मेरा पुराना टाइम टेबल था जो 20 में चल रहा था। अब हमने जो आएगा अब नया टाइम टेबल, वो हम आगे करेंगे। अभी मैंने मिशन प्रेरणा के जितने भी दीक्षा ऐप है, रीड एलोंग ऐप है, उससे रिलेटेड सारी चीज़ें मैंने इस पेज पर लिखी हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने ERAC की फुल फॉर्म दी है, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं कि हम भूल जाते हैं उनको, वो बार बार हमारे रिपीटेशन में रहती हैं तो हमें याद रहती हैं, इसीलिए मैंने इन्हें यहाँ पर लिख लिया है। इसके बाद मैंने रोचक प्रस्तावना अभ्यास टीचिंग लर्निंग सर्कल के बारे में बताया है। इसमें रोचक प्रस्तावना है, अभ्यास है और आकलन है। अब हम चलेंगे सीधे अपने फेज़ 3 के कंटेंट पर। मैंने यहाँ से, ये देखिए, हमारा जो फेज़ 3 है 12/4/2021 से शुरू हुआ है। मिशन प्रेरणा ई पाठशाला फेज़ 3 क्रियान्वयन, इस तरह से मैंने इसको मेंटेन किया है। यहाँ पर मैंने 3rd क्लास के सभी बच्चों के नाम यहाँ पर लिखे हैं, अभिभावक के नाम यहाँ लिखे हैं, और मैं यहाँ पर इनके सभी के फ़ोन नंबर लेने वाली हूँ। फ़ोन नंबर हम अगर बच्चे के पेरेंट्स कीपैड वाला फ़ोन यूज़ करते हैं तो भी हम फ़ोन नंबर लेंगे, और अगर टच वाला करते हैं तो भी हम लेंगे, क्योंकि हम जो कीपैड का फ़ोन है उस पर हम बच्चों से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम उनके कॉन्टैक्ट में रह सकते हैं फ़ोन से बात करके। तो इसलिए यहाँ पर हम बच्चों के सभी नंबरों को लेंगे, जो बच्चे व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं, जो बच्चे रीड अलोंग ऐप से जुड़े हुए हैं, और जो बच्चे हमारे कीपैड वाले फ़ोन से, जो भी हमसे संभव होगा हम हर तरह से उनका फ़ोन नंबर लेकर रखेंगे, जिससे कि हम बच्चों के संपर्क में रहें। इसके बाद मैंने यहाँ पे शॉर्ट में RWDDL गार्जियन कॉन्टैक्ट, ये मैंने सारी चीज़ें शॉर्ट में लिखी हैं। R से मतलब जो बच्चे रीड अलोंग ऐप से जुड़े हुए हैं, मैं उनके लिए R लिखूंगी। जो W मतलब व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं तो W लिखूंगी, और जो दीक्षा ऐप से जुड़े हुए हैं बच्चे, उनको D से लिखूंगी। और जो बच्चे DD नेशनल चैनल देख रहे हैं अपने घर पे TV, तो मैं उनको DL से इसमें शो करूंगी। और जिन बच्चों के गार्जियंस को फ़ोन करके हम स्कूल में बुला रहे हैं कंटेंट शेयर करने के लिए, वो मैंने गार्जियंस स्कूल कॉन्टैक्ट में लिखूंगी यहाँ पर। तो मैंने शॉर्ट में इनको इस तरह से लिख लिया है, और मैं यहाँ पे इनको फिल करूंगी। तो इसी तरह से मैंने ये तो बच्चों के लिए इसलिए बनाया है कि ताकि हम ये जान सकें कितने बच्चे किस चीज़ से जुड़े हुए हैं, और वो किस तरह से हमारी मतलब शिक्षा का लाभ ले रहे हैं, किस माध्यम से। आगे चलते हैं हम। यहाँ अभिभावकों के साथ साझा की जाने वाली सामग्री, जैसे कि जो कंटेंट आया है हमारा 29th सप्ताह के लिए विशेष योजना, तो मैंने इसको इस तरह से प्रिंट आउट निकलवा लिया है और मैंने ये इसमें लगा दिया है। इसी में हमारी सारी सामग्री दी हुई है, आप देख सकते हैं। देखिए, अब मैंने बच्चों का फिर से यहाँ पर नाम लिखा है, जिससे कि अगर जिस डेट में हम बच्चे से या बच्चे के माता पिता से संपर्क करेंगे तो हम यहाँ पर डेट डालेंगे, और उन्हीं बच्चों के सामने जिस समय हमने बच्चों को फ़ोन किया है वो टाइमिंग हम यहाँ डालते जाएंगे। माना कि जैसे कि हमको एक दिन में 5 बच्चों के पेरेंट्स से कॉन्टैक्ट करना है या बच्चों से ही बात करनी है, तो कुछ बच्चे व्हाट्सएप से काम ले रहे हैं लेकिन कुछ बच्चों के पास व्हाट्सएप नहीं है,
तो कीपैड फ़ोन है तो हम उनसे फ़ोन द्वारा अपना संपर्क बनाएंगे। तो यहाँ पर हम डेट वाइज हम जिस डेट में जितने बच्चों से संपर्क बनाएंगे हम उस समय को लिखते जाएंगे और यहाँ पर डेट वाइज डालते जाएंगे। इस सप्ताह का हमने एक बनाया है। इसी तरह से आप आगे भी साप्ताहिक जो कंटेंट का ई पाठशाला का बनाना चाहें तो आप इसी तरह बना सकते हैं जैसे कि मैंने ये बनाया है। हमें यहाँ बच्चों के और अभिभावकों के नाम उतारने हैं और यहाँ पर हम पूरे सप्ताह की डेट डालेंगे और जिस जिस बच्चे से हमारा कॉन्टैक्ट जिस डेट में होगा उसी बच्चे के सामने हम टाइमिंग लिखते चले जाएंगे कि हमने इस टाइम इस बच्चे से संपर्क किया। अगर आपको सभी को यह मेरा ई पाठशाला फेज़ 3 पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। थैंक यू। आप सभी को मेरा ई पाठशाला का फेज़ 3 का रजिस्टर मेंटेन किया हुआ पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और आपको कैसा लगा आप कमेंट करके मुझे बताएं प्लीज़। धन्यवाद।